नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में स्थित छतरपुर जिले के एक गांव में घटित एक दुखद और शर्मनाक घटना। सोशल मीडिया पर काफ़ी यह न्यूज़ सर्कुलेट किया, कई व्हाट्सएप ग्रुप में भी आए कि धामची गांव जो छतरपुर जिले का है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर झंडोत्तोलन का टाइम फिक्स था और संभवतः पंचायत सचिव को झंडोत्तोलन करना था। जो वहाँ के सरपंच थे, मैं समझता हूँ बिहार में तो ऐसी परंपरा भी नहीं है, बिहार में तो जनप्रतिनिधि ही झंडोत्तोलन करते हैं मेरे ख्याल से सभी जगह, ज़्यादातर जगहों पे, कुछ जगहों को छोड़कर जहां सरकारी पदाधिकारी झंडोत्तोलन करते हैं ग्रामीण निकायों में, शहरी निकायों में। पंचायत सचिव सवर्ण थे और पंचायत सरपंच दलित थे। जो समय निर्धारित था झंडोत्तोलन का, उस समय पर पंचायत सचिव नहीं पहुंच पाए थे। स्थानीय लोगों ने सरपंच से अनुरोध किया कि आप ही झंडोत्तोलन कर दें। पंचायत सचिव का नाम श्री हनु बशोर है, उन्होंने झंडोत्तोलन कर दिया और झंडोत्तोलन के बाद कुछ देर बाद पंचायत सचिव पहुंचे। जो सूचनाएं सोशल मीडिया पर आई हैं उससे ये हुआ कि वो गुस्सा हो गए, बहुत बहुत क्रोध में आ गए और उन्होंने सरपंच के साथ दुर्व्यवहार किया और जब उनको बचाने के लिए उनके परिवार के लोग आए तो परिवार के लोगों के साथ भी उन्होंने जातिगत, जो सूचना है जातिगत टिप्पणी, यदि ये सूचनाएं सही हैं तो आज के दौर में इस तरह की घटना घटना, जहां बहुत लोग ये कहने वाले हैं कि जनगणना जातिगत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे द्वेष बढ़ेगा, समझ में आ रहा है? क्या द्वेष बढ़ेगा? जब तक ये घटिया मानसिकता कुछ लोगों के मन से नहीं निकलेगी तब तक क्या सुधार की उम्मीद हम कर सकते हैं समाज में। मैं मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह छोटी घटना नहीं है, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बहुत ही खुशी की बात है कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ने तुरंत इसका संज्ञान लिया, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ, और उन्होंने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीसीपी को पत्र भेजा कि तुरंत आप एक्शन टेकन रिपोर्ट दें और अगर रिपोर्ट में विलंब होगा तो नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। मैं अनुरोध करता हूं मध्य प्रदेश सरकार से इस घटना की अविलंब जांच कराई जाए और जांच कराकर ऐसे समाज द्रोही व्यक्ति के साथ और सामाजिक तत्वों के साथ कड़ी से कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई और आपराधिक जो दंडात्मक कार्रवाई है उसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि ऐसे लोग समाज में इस तरह का कार्य करने की हिम्मत नहीं करें और इसका असर पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश पर पड़े कि अगर ऐसी घटिया मानसिकता से आप काम करेंगे तो सरकार सख्ती से निपटेगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।